Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine E2TA Marine Engineering Lectures. Today I will going to discuss about compressors part with some intellectual questions. And today's question is why it is not possible to get 30 bar air in single stroke in compressors. तो इससे पहले हम जानेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, इंटेक डिप्रेशंस एंड वाल्व बाउंस फिनोमिना क्या होता है. ग्राफिकल वे से हम समझेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स को. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अरेंजमेंट देखते हैं, सिलेंडर पिस्टन की अरेंजमेंट देखते हैं और हम बताएंगे आपको कैसे वाल्व ओपन होती है और कब वाल्व क्लोज होती है. ओके, नाउ ये हमारी सपोज सिलेंडर है, ये हमारी सिलेंडर है ओके, और ये हमारी पिस्टन है, और ये जो देख रहे हो ये हमारी वन जो मैंने बनाया है इंटेक वाल्व है, और जो हमारी टू जो है ये हमारी डिस्चार्ज वाल्व है. तो हमारी जनरल अरेंजमेंट है. और जो क्लियरेंस होती है व्हेन द पिस्टन इज अ टीडीसी एंड द क्लियरेंस बिटवीन the uppermost part of the cylinder and the top part of the piston when the piston is at TDC, तो उस क्लियरेंस को हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम. ओके, तो ये हमारी मैथमेटिकल अप्रोच से अगर बोले तो VC, इस स्पेस को हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं. मैं क्लियरेंस वॉल्यूम और अच्छे से डिस्कस करूंगा, मीन्स वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ क्लियरेंस वॉल्यूम इज इंक्रीज एंड डिक्रीजेस. मैं बंपिंग क्लियरेंस पढ़ूंगा तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा. ना अभी हमारी पिस्टन है, ये रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन है, ये हमारी मूवमेंट होती है, अपडाउन मूवमेंट होती है, और ये हमारी कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होती है, और हमारी एच क्रैंक के मूवमेंट से, क्रैंक के रोटेशन से हमारी रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन रेसिप्रोकेट होती है. अब हम इसे ग्राफिकल वे में देखते हैं. मैं इसी चीज को ग्राफिकल वे से भी आपको समझाता जाऊंगा. ये हमारी सपोज पीवी डायग्राम है ना, ये हमारी प्रेशर्स मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, हमारी वॉल्यूम है, और ये हमारी पीवी डायग्राम है. ओके, नाउ तो ये जो मैंने आपको पार्ट दिखाया जो स्पेस, तो ये हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम है, हम यहां शो करेंगे, और ये हमारी वीसी है क्लियरेंस वॉल्यूम. अब क्या होगा, जो पिस्टन जो रेसिप्रोकेट होती है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, वो जो लेंथ जो होती है, सपोज अगर पिस्टन हमारी रेसिप्रोकेट करती है ओके, और ये हमारी बॉटम डेड सेंटर पर हमारी आती है, तो ये जो हमारी लेंथ है कुछ, ये जो हमारी लेंथ होती है इसको हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं. नाउ पिस्टन की मूवमेंट जितनी हो रही है, जितनी लेंथ जो मूवमेंट हो रही है उसी रेशियो में और उसी अमाउंट में हमारा जो क्रैंक जो है वो भी उतना ही रोटेट कर रहा है. तो हमारी क्रैंक जो रोटेट कर रही है, हमारी आर रोटेट कर रही है जब पिस्टन हमारी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो. ओके, नाउ अगर हमारी पिस्टन अगर हमारे यहां तक आता है तो हमारी आर रोटेशन होती है, और हमारी नेक्स्ट हाफ जाती है तो हमारी आर रोटेशन होती है, मीन्स जो टोटल लेंथ जो होगी वो एल इज इक्वल टू टू आर. तो एल इज इक्वल टू हमारी टू आर होती है. क्लियर, तो हमारी डायग्राम है. अब हम बात करते हैं जो कवर की, जो टीडीसी से जो बीडीसी जो पिस्टन हमारी कवर की जो डिस्टेंस कवर की, इसी में हमारी एयर रश होती है, और इसे हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम. स्वेप्ट वॉल्यूम हमारी ये है, ये जो आपने पार्ट देख रहे हो, जो सपोज मैं 1 2 3 4 कहता हूँ, और जो 4 to 1 जो पार्ट देख रहे हो ये हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम होती है, और इसे हम वी एस बोलते हैं. और इसकी जो देखोगे तो ये क्रैंक की एरिया जो होगी वो हमारी पाई बाय 4d स्क्वायर हो गई, एंड हमारी जो लेंथ ट्रैवल की टीडीसी टू बीडीसी वो हमारी एल हो गई. तो ये हमारी वॉल्यूम होती है. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे वाल्व ओपनिंग की. हम बात करेंगे, अगर आप देखे होंगे जो हमारी थ्योरिटिकल डायग्राम होती है वहां पर हमारी कुछ ऐसे डायग्राम बनती है, यह हमारी कुछ ऐसे डायग्राम बनती है, हमारी पीवी यह हमारी डायग्राम होती है. और यहाँ पर जो वाल्व ओपनिंग जो होती है यह हमारी थ्योरिटिकल होती है, क्योंकि यहाँ क्लियरेंस वॉल्यूम जो होते हैं यहाँ मेंशन नहीं होती है थ्योरिटिकल में. दैट्स व्हाई इन थ्योरिटिकल केस वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज मैक्सिमम बिकॉज वी कांट कंसिडर द टर्म कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम.
तो यहां पर हम क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते हैं, बट इन एक्चुअल देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम एंड विच लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो एक्चुअल में हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम होता है एज पर थियोरिटिकल के कंपेयर में। मींस अगर हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज होगी, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक रेशियो, हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है वह हमारे स्वेप्ट वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम की रेशियो होती है। इफ क्लियरेंस वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगी तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हमारी डिक्रीज होगी। ओके, तो हमारी एक्चुअल डायग्राम में, यह हमारी एक्चुअल केस है, एक्चुअल डायग्राम में हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम जो होती है हमारी होती है, इसलिए हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करते हैं। अब हम एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल कंडीशंस में कैसे वाल्व ओपन होती है। सपोज ये वाल्व वन है, मैंने यहां उसकी क्रॉस सेक्शंस में यहां बनाता हूं, ये हमारी वाल्व वन है, ये हमारी वाल्व की मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है, जो अपवर्ड जो एरिया बनाया है वो हमारी कैपिटल ए मैं लेता हूं, और जो डाउनवर्ड साइड जो एरिया मैंने मीन्स ए लिया है। नाउ अगर हम इसकी फोर्स इक्वेशन अगर देखें तो हमारी कंप्रेसर पे जो वाल्व लगी है वो पहली उसकी प्रेशर क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, PATM सब्जेक्ट हो रही है। सेम जो है इस पोजीशंस पे भी जो अपवर्ड कुछ अपवर्ड प्रेशर भी इस पे एक्ट हो रही है, इस वाल्व पे यहाँ पर कुछ प्रेशर जो एक्ट होगी आफ्टर डिस्चार्जिंग प्रेशर, वो हमारी एटमोस्फेरिक प्रेशर होगी, वो हमारी PATM होगी। ओके, बट इन एडिशन टू दैट हमारा जो होगा डाउनवर्ड वेट भी होगा, वो हमारी वेट वाल्व इटसेल्फ कुछ वेट होगी, तो इससे हमारा क्या होगा अपवर्ड फोर्स जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा एंड जो अपवर्ड फोर्स होगा वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो हम अगर फोर्स इक्वेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो PATM बाय कैपिटल ए प्लस W इज इक्वल टू PATM बाय स्मॉल ए, तो हमारा ये टर्म जो है ग्रेटर होता है जिससे हमारे वाल्व रिमेन क्लोज्ड होती है। तो इस पोजीशन पे एक्चुअल कंडीशन में हमारी वाल्व क्लोज होती है, तो यहां पर हमारी वाल्व जो है क्लोज्ड है। ओके, नाउ अब क्या होता है हमारा, अब धीरे धीरे वाल्व जो होती है हमारी डाउनवर्ड पोजीशन पर जाती है, मीन्स हमारी अब टॉप डेड सेंटर से हमारी बॉटम डेड सेंटर पर जाती है। तब यहां पर क्या फिनोमिना आएगा, PV इज इक्वल टू MRT। ओके, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अगर वाल्व हमारा इस पोजीशन पे, अगर हमारा वाल्व इस पोजीशन पे आता है तो हमारी क्या हो रही है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वाल्व जैसे जैसे TDC टू VDC जाएगा हमारी क्या होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है बट मास फ्लो रेट सेम है, हमारा R कॉन्स्टेंट है, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, हमारा प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा। ओके, तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा और एट वन मोमेंट जो ये PATM है ये हमारा P less than PATM हो जाएगा, जो हमारा एग्जिस्टेंस प्रेशर आएगा वो हमारा लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा एंड हमारा ये जो डाउन जो अपवर्ड फोर्स होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स से और हमारा वाल्व ओपनिंग होगी। तो उसमें मैं अब ग्राफ पे दिखाता हूं। ओके, नाउ इस पॉइंट पर हमारा वाल्व क्लोज है, अब धीरे धीरे टॉप डेड सेंटर से हमारा पिस्टन नीचे बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। ओके, तो इससे हमारा क्या हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है बट प्रेशर क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर जा रही है। तो हाँ, आप देख सकते हैं मैंने ये कर्व बनाया है, ये क्या शो कर रही है, ये हमारी डिक्रीज इन प्रेशर शो कर रही है। ये हमारी रिफरेंस क्या है, ये जो मैंने रिफरेंस है ये हमारी PATM रिफरेंस है, क्योंकि अब हमारी पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर जा रही है, तो हमारी क्या होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगी एंड एज पर PV इज इक्वल टू MRT वॉल्यूम इंक्रीजेज P डिक्रीजेज, मींस P जो हमारी एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो रही है। बट एट वन पॉइंट सपोज ये केस हम कंसिडर करते हैं हमारी पिस्टन यहां तक आती है, ये जो मैं रेड शो कर रहा है अब हम हमारी पिस्टन यहां तक आए। ओके, तो इस पॉइंट पर क्या होगा हमारा एयर सक करेगा, तो एयर सक करेगी मींस क्या हमारी जो है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अब हमारी पी एटमोस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग इक्वल होगी, क्योंकि हमारी क्या हो रही है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज हो रही है, एट वन पॉइंट एयर एयर
रश हो जाएगी क्योंकि हमारी वाल्व ओपन होगी, क्योंकि ये कंडीशन हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स से जब हमारी पी लेस देन पी एटीएम होगी, ठीक। तो उसके बाद हमारी फिर जो इनसाइड होगी, जो बिटवीन सिलेंडर और पिस्टन की जो इनसाइड होगी, फिर एक बार हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर अचीव हो जाएगा तो हमारी ग्राफ ऊपर जाएगी। नाउ अगेन हमारी पिस्टन नीचे जा रही है, तो एट बीडीसी मींस एट बीडीसी हमारी सेम प्रोसेस होगी, हमारी फिर से प्रेशर डिक्रीज होगी एंड एट बीडीसी यहां पर हमारी ये पॉइंट आएगी और यहां पर हमारी वाल्व क्लोज हो जाएगी और हमारी एयर रश हो जाएगी, एयर हमारी अंदर आ चुकी है। नाउ तो ये हमारी एक्चुअल डायग्राम होती है और इसे ये जो आप डिप्रेस्ड देख रहे हो और ये हमारी एक्चुअल सक्शन प्रेशर होती है और हम इसे पीएस कहते हैं, ये हमारी एक्चुअल सक्शन प्रेशर होती है। और आप ये जो डिप्रेस्ड देख रहे हो इसे हम कहते हैं इंटेक डिप्रेशन, इसे ही हम कहते हैं इंटेक डिप्रेशन, क्योंकि जो भी हमारी ओरल्स होती है इंटरव्यू प्लेसमेंट्स में होती है वहां पर ज्यादातर एक्चुअल डायग्राम ही पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे आपको फिनोमेना पूछेंगे इंटेक डिप्रेशन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हमारी अब क्या होती है, यहां से अब हमारी एयर रश हो चुकी है, अंदर आ चुकी है, अब हमारी अगेन अब हमारी कंप्रेशन स्टार्ट होती है। तो हमारी क्या होगी, कंप्रेशन स्टार्ट होगी, तो हमारी ये कंप्रेशन स्टार्ट हुई, ओके। अब हमारी जो लो प्रेशर वो हमारी हाई प्रेशर होगी विद PV पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। नाउ अब यहां हमारा क्या होता है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो हमारा डिलीवरी वाल्व है सपोज वो ओपन हमारा 7 bar पे हो रहा है, ओके। नाउ अब हम इसे आउटलेट वाल्व लेते हैं, ओके। नाउ अब हम इसे आउटलेट वाल्व लेते हैं, ओके। अब हमारी आउटलेट वाल्व अगर हम इसे लेते हैं नाउ, तो यहां पर क्या है 7 bar, ओके। अब हमारी एयर कंप्रेस्ड हुई है, कंप्रेस्ड हुई है, कंप्रेस्ड हुई है, एट वन पॉइंट ये हमारी कंप्रेस्ड हुई है, यहां पर भी 7 bar होगा और यहां पर वेट तो इसकी डाउनवर्ड फोर्स होगी, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे पीवी इक्वल टू एमआरटी, बट यहां रिवर्स केस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि मास फ्लो रेट सेम है, आर सेम है। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर जो होता है वो हमारा 7 bar से एक्सीड करता है और लगभग 7.2 7.5 bar हो जाता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं वाल्व बाउंस। तो ये जो हमारी फिनोमिना होती है ये हमारी वाल्व बाउंस होती है और ये आप जो देख रहे हो ये हमारा इसे कहते हैं पी डिलीवर्ड, मींस इस पोजीशन पर इस डिलीवर्ड प्रेशर पे हमारा वाल्व खुल रहा है और यही हमारी एक्चुअल साइकिल होती है, फिर उसके बाद हमारी एच सेम एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। तो ये हमारी एक्चुअल साइकिल होती है, एक्चुअल कंप्रेशन साइकिल्स होती है और जो इससे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया था वो हमारी थ्योरेटिकल साइकिल होती है। तो ये हमारी वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, तो इंटेक डिप्रेशन मैंने आपको समझाया, वाल्व बाउंस समझाया, ये जो मैंने फिनोमिना आपको समझाया इसे हम वाल्व बाउंस कहते हैं, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। नाउ अब हम अपनी क्वेश्चंस पे आते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चंस था जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एमडी ओनर्स में, जो सर्वेयर पूछते हैं व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस 30 bar एयर इन सिंगल स्ट्रोक। नाउ सी सेम केस अगर हम इसे लेते हैं, हम लोगों ने सेम केस लिया है, यह हमारा सिलेंडर है, ओके, और ये हमारा वाल्व है, सपोज ये हमारा पिस्टन है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट 30 bar एयर इन सिंगल स्ट्रोक। सपोज मान के चलते हैं हम लोगों ने सिंगल स्ट्रोक में 30 bar एयर कंप्रेस्ड किया ना, ओके, हमारा क्या हुआ डिलीवरी वाल्व ये इनलेट वाल्व क्लोज होगा और डिलीवरी वाल्व ओपन किया और हमारा कुछ एयर जो है एयर रिसीवर्स के थ्रू हमारा एयर बोतल में और डिफरेंट सर्विसेज में हमारा चला गया एयर। नाउ डिफरेंट सर्विसेज मीन्स 30 bar तो एयर स्टार्टिंग इंजन में ही काम आएगा। नाउ अब हमारा 30 bar एयर तो चला गया, बट क्या होता है, जो हमारी एयर रिलीज हुई, जो डिस्चार्ज एयर हुई वो ऑल गैसेस एंड डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ अमाउंट कुछ वॉल्यूम हमारी रह जाती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज 30 bar, 30 bar ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो होगी वो ट्रैप्ड हो जाएगी किसमें, हमारी ये छोटी सी जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वहां पर। नाउ
अब हमारी क्या होगी, पिस्टन जो होगी अपनी स्ट्रोक, अपनी जो स्ट्रोक होगी अकॉर्डिंग टू वो स्ट्रोक हमारी वो नीचे जाएगी, बॉटम डेड सेंटर पे जाएगी। तो बॉटम डेड सेंटर पे जाएगी। नाउ अगेन पी वी इक्वल टू एम आर टी, ओके सेम कॉन्सेप्ट होगी। और ये हमारे कुछ मिडिल पे आई, अगेन अभी हमारी लोअर मोस्ट ये हमारे बी डी सी पर आ चुकी है, ये हमारी बी डी सी पर आ चुकी है पिस्टन। अब हमारा क्या होगा, जो 30 bar एयर जो होगा वो इतनी सफिशियंट नहीं होगी ताकि एयर रश कर जाए। मींस एयर कब रश करेगा, जब हमारी पी एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो इनसाइड प्रेशर है, जो हमारी कंप्रेसर्स की जो इनसाइड प्रेशर है, पी इनसाइड शुड बी लेस देन पी एटीएम, बिकॉज वाल्व जो वाल्व में जो जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो हमारे पी एटीएम है ना। तो हमारी बट इनसाइड प्रेशर कितनी है, 30 bar, बट 30 bar इज एंड लेस देन पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो वाल्व ओपन ही नहीं होगा। तो हमारी वाल्व ओपन ही नहीं होगी और इससे हमारे क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज हमारी एयर रस होगी ही नहीं। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी के डेफिनेशन क्या है ना, जो हमारी एयर रस हो रही है वो हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है, और बैक क्लियरेंस वॉल्यूम, अगर हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हो रही है, बट हियर नो एयर इज रस इनसाइड द कंप्रेसर, सो आर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज ऑल्सो जीरो। सो हेंस मीन्स ये कंप्रेसर हमारे, इसलिए हम सिंगल स्ट्रोक में हम 30 bar एयर अचीव नहीं करते, और यही हमारी रीजन होती है बिकॉज जो इंटरनल प्रेशर जो है, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ प्रेशर डिस्चार्ज तो हो गई बट स्मॉल अमाउंट ऑफ 30 bar प्रेशर हमारे यहाँ ट्रैप्ड हो चुकी है, ओके तो हमारी कुछ एयर जो है वो हमारी ट्रैप्ड हो चुकी है। अब हमारी अब पिस्टन धीरे धीरे नीचे जा रही है, अब हमारी कंडीशन होना चाहिए प्रेशर इनसाइड लेस देन पी एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन हमारा वाल्व होगा, बट ये 30 bar जो होगा वो प्रेशर इतना भी रिड्यूस नहीं होगा कि वो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, इसलिए हमारी वाल्व ओपन ही नहीं होगी, तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जीरो हो जाएगी। और हमारी आज की टॉपिक थी, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, और मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोस जो मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू प्लेसमेंट्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, एमयू क्लास फोर एग्जाम्स ओरल से पूछे जाते हैं, मैं ऐसी वीडियो रेगुलर लाता रहता हूँ। सो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आपकी टेक्निकल नॉलेज बूस्ट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।